हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे अपनी क्वेरी के बारे में। वो है कि मैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस के बारे में पूछा गया है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी के प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप उसको शुरू कर सकते हैं। जो आपको इसेंशियल चीजें रहेगी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी के लिए, दो तरह का, एक तो आपको कंपल्सरी रहेगा, दूसरा आपकी वॉलंटियर रहेंगे लेकिन एसेंशियल रहेगी। जो आपकी कंपल्सरी रहेगी वो आपका होलसेल ड्रग लाइसेंस रहेगा और आपका जीएसटी नंबर रहेगा, और जो आपका वॉलंटरी है लेकिन आपके लिए कंपलसरी तो नहीं है लेकिन इसेंशियल पार्ट है, वो आपका रहेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप एज ए फर्म भी मार्केटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको अपने आप को कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना, आप एज ए फर्म भी मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वैसे तो कंपलसरी नहीं होता लेकिन फिर भी आपको अपने कंपनी नेम के और ब्रांड नेम के प्रोडक्शन के लिए वो जरूरी होता है। उसके बाद आता है FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप साथ में फूड सप्लीमेंट का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उनमें से आप बहुत सारे विटामिन लगा लो, एंजाइम लगा लो या दूसरे भी डाइटरी सप्लीमेंट्स लगा लो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो फूड की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये तो हमने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात करी है, इनके बारे में कंप्लीट हम कई वीडियो में बात कर चुके हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब बात करते हैं स्टेप वाइज प्रोसीजर के बारे में कि कैसे आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी को स्टेप वाइज शुरू कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आपकी कंपनी का नाम आपके लिए बड़ा जरूरी है और उसमें आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो किसी से रिजेंबल ना करता हो, क्योंकि वही आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए अच्छा रहेगा। सेकंड, आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपको स्टार्टिंग में किन मॉलिक्यूल से काम करना है और किन डॉक्टर्स पे काम करना है, किस टेरिटरी में काम करना है। ये बड़ा इसेंशियल होता है क्योंकि आप पूरे पूरे एरिया को एक साथ कवर नहीं कर सकते, आपको पहले ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी है कि आपको स्टार्टिंग में इन्हीं मॉलिक्यूल्स पे काम करना है और इस एरिया में काम करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़े एरिया को शुरू में ही कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बर्डन में डाल देंगे, प्रेशर में डाल देंगे, क्योंकि स्मॉल लेवल पे आपके रिसोर्सेज भी कम होंगे, आपके पास प्रोडक्ट के पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी कि आप बहुत बड़ी डिमांड को एकदम कैप्चर कर सको, आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप से वो शुरू करना है। तीसरा, उसके बाद आ जाता है कि आपने कंपनी नेम डिसाइड कर लिया है, आपने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स और दूसरी चीजें डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आपके ब्रांड नेम आ जाते हैं। ब्रांड नेम भी उतने ही एसेंशियल है जितना कंपनी नेम है, वहां पे भी आपको यही कोशिश करनी है कि आपके ब्रांड नेम किसी दूसरे कंपनी के ब्रांड नेम से क्लैश ना करते हो। आप इन तीनों स्टेप्स को क्लियर कर चुके हो, उसके बाद आप लाइसेंसिंग प्रोसीजर पे आ सकते हो। आपको जो भी करना है, आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस लेना है, जीएसटी नंबर लेना है, या फिर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन में भी जाना है या नहीं जाना, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है, FSSAI का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो ये काम कर सकते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर ढूंढना या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ढूंढना। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर का, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी मार्केटिंग कंपनी में, मार्केटिंग फर्म में, क्योंकि आपके प्रोडक्ट उसी से आने हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट वहीं पे मैन्युफैक्चर होने हैं और क्वालिटी और जो उसकी पैकेजिंग वगैरह है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो बहुत हद तक आपके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पे भी डिपेंड करते हैं। तो आपको अपना जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, वो बड़े ध्यान से ढूंढना है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन वे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल से भी सर्च कर सकते हो, इसके अलावा जो ड्रग बुक्स होती है वहां से भी जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी आप फाइनल कर लेते हो, रेट वगैरह उससे डिसाइड कर लेते हो, पूरा टर्म एंड कंडीशन फाइनलाइज हो जाता है, आपका डिलीवरी टाइम वगैरह कितने दिन में वो डिलीवरी देगा, ये सब आपका फाइनल हो जाता है। किसी भी नए प्रोडक्ट को जब आप मैन्युफैक्चर कराने जाएंगे तो कोई भी मैन्युफैक्चरर आपसे एक टाइम पीरियड लेगा, चाहे वो 30 डेज ले, 35 डेज ले, 45 डेज ले, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन रहता है उसके हिसाब से वो आपको टाइम पीरियड देगा कि इतने टाइम में मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा, तो आपके पास एक टाइम बच जाता है, फिर महीना 1.5 महीने का टाइम आपके पास हो जाता है। उसके मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, आप जो भी आपका प्रमोशन मटेरियल होता है, जो आपका विजुअल रहेगा, जो प्रमोशन मटेरियल रहेगा, जैसे दूसरा प्रोडक्ट कार्ड वगैरह, रिमाइंडर कार्ड वगैरह, लीव बिहाइंड कार्ड्स या स्मॉल गिफ्टिंग अगर आपको कुछ करनी है मार्केट में, और उसके बाद आपके पास टाइम होगा अपने PTR कैलकुलेट करने का, PTS कैलकुलेट करने का, आपको मार्केट में क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से काम करना है, किन रेट्स पे देना है, तो ये सब डिसाइड करने का आपके पास टाइम रहेगा वहां पे। तो इस दौरान आप ये सब कुछ फाइनल कर सकते हो। अब जो प्रमोशन मटेरियल का काम है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं होगा, वो आपका प्रिंटिंग और डिजाइनिंग इंडस्ट्री में होगा, तो वो आप उनसे भी टाई अप कर सकते हो। आप प्रिंटर को, डिजाइनर को भी कई तरीके से फाइंड
आउट कर सकते हो, या तो आप मैन्युफैक्चरर से ही बोल सकते हो कि जो भी आपका जो प्रमोशन मटेरियल है वो अरेंज करा दे, जो आपका खर्चा आएगा जो पेमेंट आएगी वो आप उसको दे देंगे। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप ढूंढ सकते हो, या अगर आप बड़े शहरों में फिर आपको प्रिंटर डिजाइनर की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप स्मॉल टाउन में भी है तब भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहां पे भी हर शहर में प्रिंटर और डिजाइनर होते ही हैं जो शादी वगैरह के कार्ड वगैरह या एल्बम वगैरह बनाते हैं, तो वो भी आपके प्रमोशन मटेरियल में बहुत हद तक आपकी मदद कर देंगे। इस तरह आपके ऑलमोस्ट सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं और फिर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे तो आप उसकी मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। कुछ बेसिक चीजों पे और आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है, एक आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बड़ा जरूरी है आज के टाइम में अपनी कंपनी की। इसके अलावा आप ड्रग बुक्स में या मेडिकल जर्नल्स में भी एड दे सकते हो ताकि डॉक्टर्स के पास जो आपकी कंपनी की रेपुटेशन है वो थोड़ी अच्छी जाए। तो इन चीजों पे सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाइए, तो थोड़ा सा बैकएंड पे भी थोड़ा काम करिए कंपनी के प्रमोशन के लिए, और जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे तो आप डायरेक्टली के डॉक्टर्स को उस पर प्रमोट करिए या जिस भी वे में आप करना चाहते हो तो उस तरह आप उनको प्रमोट करके अपना काम शुरू कर सकते हो। उम्मीद करेंगे ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।